तो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। रेडमी की तरफ से भैया रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स लॉन्च कर दिया गया है और उसकी टक्कर में रियलमी 6 प्रो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, जिसकी सेल भी आज आ चुकी है एक्चुअल में। तो इन दोनों फोन का जो कंपैरिजन आज हम करने वाले हैं, स्पेक्स वाइज कौन सा विनर है और कौन सा लूजर होने वाला है यहाँ पे। तो दोनों ही फोन काफी अच्छे देखने में लग रहे हैं, आपको दिखाई पड़ रहे होंगे, काफी कूल फोन है। दोनों ही बहुत ही प्रीमियम डिवाइस हैं और दोनों का ही बहुत ही अच्छा प्रीमियम प्राइस भी है। तो यहाँ पर ये सवाल उठता है कि आखिर कौन सा फोन ले, क्योंकि रोज कोई ना कोई फोन लॉन्च हो जाता है रियलमी की तरफ से और रेडमी की तरफ से। तो शुरुआत कर लेते हैं इन दोनों के कंपैरिजन की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डिस्प्ले की। काफी चेंजेस है दोनों में डिस्प्ले में। अगर आप सामने की तरफ से देखते हैं तो आपको 6.67 इंच की आपको डिस्प्ले मिलती है रेडमी के नोट 7 प्रो मैक्स में। काफी बड़ा नाम हो जाता है यहाँ पे। तो इसके अंदर आपको 6.67 इंच की फुल HD IPS पैनल मिलता है। AMOLED पैनल दोनों में ही नहीं दिया गया है, लेकिन यहाँ पर आपको हैप्टिक टच का जो अब थोड़ा सा ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि जब आप कहीं टच करेंगे तो आपको एक वाइब्रेशन जो मोटर जो होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके का होगा, जो आपको काफ़ी प्रीमियम डिवाइस जैसे सैमसंग या काफ़ी फ्लैगशिप फोन होते हैं जो लाखों में आते हैं उनके अंदर देखने को मिलता है, वो इसमें इस बार आपको देखने को मिल जाएगा। वहीं पर अगर आप रियलमी 6 प्रो की तरफ देखते हैं तो वहाँ पर आपको 90Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी कूल है। यानी कि अगर आप पबजी खेलते हैं उसके अंदर या भी आप उसका UI ऐसे से चलाते हैं तो काफी कूल लगता है। इसको ऐसे मैं कल ऑर्डर करने वाला हूं तो जल्द ही आ जाएगा और उसकी हम सारी की सारी अनबॉक्सिंग टेस्टिंग सारा कुछ करने वाले हैं। काफी कूल डिवाइस होने वाला है। तो अब बात कर लेते हैं इनके फ्रंट कैमरे के बारे में। तो फ्रंट कैमरा आपको मिलता है रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स में, आपको मिलता है 32 मेगापिक्सल का कैमरा। वहीं पर आपको रियलमी 6 प्रो के अंदर मिलता है आपको 16 मेगापिक्सल और 8 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है, जो डुअल है। यानी कि आप अगर फ्रंट कैमरे की बात कर रहे हैं ना, तो यहां पर आपको फ्रंट कैमरे में बेहतर फोटो मिल जाएगी आपको रियलमी 6 प्रो में, क्योंकि यहां पे डुअल है और आप यहां पे अल्ट्रा वीडियो भी निकाल सकते हैं, यानी कि वाइड वीडियो बना सकते हैं और साथ में स्टेबलाइज्ड वीडियो बना सकते हैं। और यहां पे एक और ऑप्शन मिल जाता है आपको, बुके वीडियो का ऑप्शन मिल जाता है। यानी आप फ्रंट कैमरे से बुके वीडियो, वाइड वीडियो, अल्ट्रा वाइड वीडियो और बहुत ही बेहतरीन फोटो क्लिक कर सकते हैं। वहीं पर अगर आप रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स के तरफ जाते हैं तो यहां पर आपको ऐसे कोई मतलब कि आपको बुके वीडियो का ऑप्शन नहीं मिलता है, बाकी स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन मिल जाता है। पोर्ट्रेट मोड आप अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं फोटोज में, वीडियोज के अंदर नहीं। वहीं पर दोनों ही मोबाइल में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिल जाता है, तो काफी अच्छी बात है क्योंकि दोनों ही डिवाइस काफी मजबूत हैं। दोनों ही डिवाइस ग्लास बॉडी के साथ में आते हैं, काफी प्रीमियम फील होते हैं। तो लुक वाइज आप पे डिपेंड करता है आपको कौन सा फोन पसंद है। वहीं पर बात कर लेते हैं इसके बैक कैमरे की। तो दोनों के अंदर आपको 64 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाता है, लेकिन बाकी सेंसर्स में आपको बदलाव देखने को मिलता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स की। तो यहाँ पे आपको मिलता है 64 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का, 5 मेगापिक्सल का और 2 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है। 64 मेगापिक्सल का तो मेन कैमरा होगा, 8 मेगापिक्सल जो है अल्ट्रा वाइड फोटो क्लिक करता है, वहीं पर 5 मेगापिक्सल आपका माइक्रो लेंस हो गया जो कि आपकी माइक्रो फोटोग्राफी में बहुत ही अच्छे काम आने वाला है। वहीं पर जो 2 मेगापिक्सल का कैमरा है वो आपकी बुके इफेक्ट के लिए है। वहीं पर अगर आप इधर देखते हैं रियलमी 6 प्रो की तरफ तो यहां पे आपको मिलता है 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा हो जाता है, 12 मेगापिक्सल का आपको टेलीफोटो लेंस मिल जाता है जो कि 20x मतलब कि 20x तक हाइब्रिड जूम तक आप फोटो क्लिक कर सकते हैं। वहीं पर आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल आपका मिलता है अल्ट्रा वाइड और वहीं पर आपको 2 मेगापिक्सल का मिलता है बुके इफेक्ट के लिए। यानी यहाँ पे बैक कैमरा भी पावरफुल है यहाँ पे रियलमी 6 प्रो का और फ्रंट कैमरा तो पावरफुल है ही, 32 जरूर है उसके अंदर, लेकिन अगर आप कंपैरिजन होगा हम करके देखेंगे किसका बेहतर है। बाकी ऐसे तो हमें लग रहा है कि फ्रंट कैमरा भी बेहतर होगा रियलमी 6 प्रो का। अब बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की। तो परफॉर्मेंस के मामले में दोनों ही मोबाइल सेम हैं, दोनों की परफॉर्मेंस सेम होने वाली है क्योंकि दोनों में ही मिलता है आपको स्नैपड्रैगन का 720G। तो यहाँ पे आपको कोई भी सैक्रिफाइस नहीं देखने को मिलता है, दोनों ही फोन में परफॉर्मेंस आपको काफ़ी तगड़ी मिलने वाली है गेमिंग के मामले में भी और वैसे भी। तो यहाँ पर आप बात कर ले बैटरी की, तो बैटरी के मामले में भैया यहाँ पे Redmi Note 9 Pro Max जो है काफी तगड़ा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलता है 5020 mAh की बैटरी देखने को मिलती है,
33 वाट की फास्ट चार्जिंग मिलती है। वहीं पर अगर आप इसका रियलमी 6 प्रो का देखते हैं तो यहाँ पे आपको मिलती है 4300 mAh की बैटरी और 30 वाट की फास्ट चार्जिंग के साथ में आता है। तो यहाँ पे फास्ट चार्जिंग भी थोड़ी सी फास्ट है इसकी और बैटरी भी थोड़ी ज़्यादा है। तो बैटरी के मामले में मेरी तरफ से ये विनर है रेडमी का, लेकिन बैटरी के मामले में 4300 mAh की भी बैटरी अगर आप देखते हैं तो इनफ है, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप फ्लैगशिप फ़ोन देखते हैं तो उनके अंदर 4000 mAh की भी बैटरी मुश्किल से दी जाती है। तो बैटरी तो डिपेंड करती है ऑप्टिमाइजेशन पे। अगर 4000 mAh की भी बैटरी है तो अगर ऑप्टिमाइजेशन अच्छी है तो 1-1.5 दिन तो आराम से ही निकाल देती है। वहीं पर अगर बात करें हम सेंसर्स की, तो दोनों ही मोबाइल में जितने भी सेंसर्स होते हैं छोटे मोटे वाले सारे के सारे देखने को मिल जाते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें इन दोनों की प्राइजिंग की, तो यहाँ पर प्राइजिंग में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है दोनों में। यहीं पर Redmi का Note 9 Pro Max जो है वो 15,000 से स्टार्टिंग हो जाता है, लेकिन वहीं पर अगर आप Realme 6 Pro की बात करें तो वो भैया 17,000 से स्टार्टिंग होती है। तो अगर Redmi Note 9 Pro Max की प्राइसिंग की बात करें तो इसका बेस वेरिएंट है 6GB 64GB जो कि आता है 15,000 रुपये का। वहीं पर भैया इसका 6GB 128GB है जो कि आता है 17,000 रुपये का। उसी का तीसरा वेरियंट है जो कि है आपका 8GB 128GB जो कि आता है 19,000 रुपये का। वहीं पर बात कर ले Realme 6 Pro की, तो Realme 6 Pro के अंदर आपको मिलता है 6GB 64GB 17,000 रुपये का, 6GB 128GB 18,000 रुपये का, 8GB 128GB 19,000 रुपये का। सिर्फ एक ही 1,000 रुपये का गैप है। यहाँ पे प्राइजिंग जो है लास्ट वाला जो है वो तो सेम ही है, लेकिन जो सबसे पहला वेरिएंट है वो थोड़ा सा यहाँ पे इसका बेस वेरिएंट जो है थोड़ा सा महंगा हो जाता है। तो लेकिन यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी तो देखने को मिल जाते हैं Realme 6 Pro में। तो आप क्या सोचते हैं इन दोनों डिवाइस के बारे में? क्या आपको लगता है कि Realme 6 Pro बेटर है या Redmi का Note 9 Pro Max बेटर है? मेरी तरफ से मुझे लगता है Realme का 6 Pro जो है वो काफ़ी बेटर हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो बेटर दी गई हैं। हमें लग रहा है बैक कैमरा भी बेटर ही इसका निकलेगा। वहीं पर बात कर लें इसके 90Hz डिस्प्ले की, 6.6 इंच की जो डिस्प्ले दे रखी है वो भी काफ़ी बेहतर है। तो आपके जो भी विचार हो भैया कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, हम पढ़ेंगे और हमें अच्छे लगे जरूर हम उसका रिप्लाई देंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।